कैसे हो सभी लोग। होप करता हूँ कि सभी मस्त होंगे। सो फाइनली ट्रैक रिलीज हो चुका है मटक मटक, जिसके टीजर पे भी मैंने रिएक्शन की थी। और देखते हैं इस ट्रैक में अपने फैंस के लिए विश्वजीत चौधरी ने क्या लाया इस सॉन्ग में। और एक बात मैं बता दूं आपको, स्टेयरिंग में दो बड़े नाम है, भोजपुरी म्यूजिक स्टार जो है खेसारी लाल यादव, वो इसमें स्टेयरिंग कर रहे हैं। और साथ में स्टेयरिंग कर रहे हैं सपना चौधरी, जो हरियाणा से हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखते हैं वो भी कैसी स्टेयरिंग कर रहे हैं सॉन्ग पे। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोज मेरे चैनल पे आती जाती रहती है। और लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। और म्यूजिक है गुलशन का। सपना चौधरी और खेसारी लाल यादव सेम स्टेप कर रहे हैं सॉन्ग पे। और वॉइस भी यार विश्वजीत की काफी अच्छी है यार, वो कंटिन्यू करते हैं। माननी वाली है यार, ये एक हरियाणवी ट्रैक है, लेकिन थोड़ा सा जो म्यूजिक है वो भोजपुरी टाइप का यार। और भोजपुरी टाइप का म्यूजिक जो होता है ना यार, वो थोड़ा सा जोश वाला होता है, मतलब कि नाचने वाला होता है ज्यादा। और कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इस सॉन्ग का यही मीनिंग है, मतलब कि नाच नाच के एडी नहीं मारेगी, सिर्फ खाली एडी नहीं मारेगी, गुंगरू भी तोड़ के मारेगी। भाई साहब काफी ओपी लिरिक्स लिखी हैं। और भाई साहब स्टेयरिंग भी खेसारी लाल यादव और सपना चौधरी की काफी ओपी यार, मतलब कि दोनों स्टार हैं अपनी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री के। सपना चौधरी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री, और जो खेसारी लाल यादव है वो भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार। और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रह गया गाना। तोड़ के मानेगी, हना एटी खेच
म्यूजिक वही गुलशन का, सिंगर विश्वजीत चौधरी। और ये था हमारे पास ट्रैक जिनमें स्टेयरिंग में काफी दो बड़े नाम थे, खेसारी लाल यादव और सपना चौधरी। और कैसा लगा आपको ये ट्रैक? मुझे काफी अच्छा लगा, मजा आया ये ट्रैक सुन के। और यार मैं इतना ही बोलूंगा कि ऐसी स्टेयरिंग करनी चाहिए यार, मतलब कि भोजपुरी स्टार है खेसारी लाल यादव, उन्होंने हरियाणवी ट्रैक पे एक स्टेयरिंग की, मतलब अच्छा लगा यार। क्योंकि दूसरी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करना काफी छोटी बात नहीं होती, काफी बड़ी बात होती है। जो स्टार लोग होते हैं सिर्फ वही कर पाते हैं। और अगर मैं चैनल पे पहली बार देख रहे हो वीडियो तो कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आती जाती रहती हैं। और आपको कौन सी रिएक्शन वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट पेंडिंग भी चल रही है, उसके लिए सॉरी बोलूंगा यार, लेकिन आस्ता आस्ता शोरूम है कि उन पे भी रिएक्शन आएगी। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।